बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्यूअर्स, रंग, जब हम रंगों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रंग हमारे जहन में स्टैंड आउट करता है वो होता है लाल रंग। और लाल रंग की जब हम बात करें तो अनार जहन में आता है खाने पीने की चीज़ों में। अब रंग, फल, ये सब चीज़ें रब ताला की हमारे लिए एक इतनी बड़ी नेमत हैं, और अगर हम इस नेमत को अंडरस्टैंड कर जाएं और ये अंडरस्टैंड कर जाएं कि इनका हमें फ़ायदा क्या है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब आयरन की बहुत बड़ी सोर्स है, यानी कि फौलाद की, जिन लोगों को कमी होती है खून की, जिनको कहते हैं कि अनीमिक लोग हैं, उनको अक्सर कहा जाता है कि अनार का ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्किन की इलास्टिसिटी, यानी कि जो हमारी स्किन की कंसिस्टेंसी है, उसको भी बेहतर करने में बहुत काम आता है। उसके अलावा हाइट विटामिन सी में भी बहुत हाई है, पोटेशियम में भी हाई है, एंटी एजिंग है, दांतों को भी हमारे प्रोटेक्ट करता है, आपके पेट में दर्द हो उसको भी। मतलब मैं जब रिसर्च कर रही थी, हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी, वो ये कहते कि क्या क्या आपको हम इंफॉर्मेशन दें, ये एक इतनी ब्रिलियंट चीज़ है अनार, पोमोग्रेनेट जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि इसकी अगर हम वैल्यू अंडरस्टैंड करते हैं तो इसमें ख़जाना है आपकी सेहत को मेंटेन करने का। अच्छा, स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंदर इंटरनल हेल्थ की बात करें, एक्सटर्नल हेल्थ की बात करें, फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव अनार इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब अनार की इम्पोर्टेंस और वैल्यू जो है वो हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स, और हमें गाइड करेंगे कि इस अनार के थ्रू, सिर्फ ये नहीं कि अनार आपने खा लिया या उसका जूस निकाल लिया, बल्कि ड्राई अनार जिसको हम अनार दाना कहते हैं, उसकी भी बड़ी फ़ायदियत है। अनार का जूस जो है अपनी जगह चलें, वो इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन जिनको मैं सबसे पहले बुलाने लगी हूँ शो पर, वो तो अक्सर कहती हैं कि जूसेस से इज्तनाब करें और डायरेक्ट जो है फ्रूट खाएं। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर साहर चावला की, जो हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक सर, हाउ यू डूइंग? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपके साथ हमें ऑफ कोर्स ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल ने, जो आज थोड़े थोड़े अनार खुद भी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके आज फेवरेट फल की बात हो रही है? हाँ, यकीनन। क्या बात है। और साथ साथ ऑफ कोर्स हम बुलाना चाहेंगे नैयर ज़िक्रिया साहिबा को, मिसेज नैयर ज़िक्रिया को, बहुत ही प्यारी सी हमारी आपी हैं। आप क्या लाल लाल लालो लाल हो गई हैं। एंड देन ऑफ कोर्स मासूमा ज़हरा साहिबा, उनको भी हम बुलाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक। अनार पे आज हम बात करेंगे, अनार को एक तरह से हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, क्योंकि आप अभी मैं जो बात कर रही थी कि जूस के फॉर्म में ज़्यादातर लोग अनार लेते हैं, बल्कि बीज तो खाना ज़रूरी नहीं समझते, तो बिल्कुल शुरू में कुछ कहना चाहेंगी, फिर हम आराम से बैठ के अपनी गुफ्तगू करेंगे। एक अनार सौ बीमार इज़ ए लिटरल ट्रूथ, कि जो एक अनार है वो सौ बीमार और सौ बीमारियों का इलाज है। और अनार के अगर आपने पूरे फ़ायदे लेने हैं, यू कैन नॉट इग्नोर द बीज। जूस भी बुरी चीज़ नहीं है, बट यू कैन नॉट इग्नोर द बीच। ये अभी हमारे हर्बलिस्ट भी बड़े मज़े से डिकोड करेंगे, आई एम श्योर। यू सी, यही तो बात है। और भी वो सिर्फ ये नहीं, बल्कि इसका छिलका, एक एक जो हिस्सा है अनार का, उसकी एक वैल्यू और एक इम्पॉर्टेंस है। और हमें याद रखना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ अल्लाह ताला बनाते हैं, तो उसका हर हिस्सा जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है, हमने शायद डिस्कवर नहीं किया होता। और जो चीज़ साइंस बहुत आगे जा कर डिस्कवर करती है, वो बहुत आप अगर देखें गौर से, अगर आप हमारे मज़हब को पढ़ें, तो बड़ी क्लियरली कहा गया है कि फलां चीज़ का ये फ़ायदा, फलां चीज़ का ये फ़ायदा, फलां चीज़ का फ़ायदा। और बाय द वे, पहले जो सबसे ज़्यादा हाई एंड डॉक्टर्स होते थे, वो तिब के ही डॉक्टर्स होते थे, और एक्चुअली मुस्लिम डॉक्टर्स थे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। देखो, अनार की तो इस्लाम में एक वो एक और भी हैसियत हासिल है, कहते हैं कि जन्नत का एक जो दाना है वो डेफिनेटली हर अनार में होता है। मकसद सिर्फ शायद इसमें कहने का ये होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉजिक ढूंढो, मकसद ये कि इसका एक दाना भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब आप अनार खाओ तो पूरा अनार खाओ, ताकि उसकी पूरी आफादियत आप हासिल कर सकें। लेकिन अब छिलका तो नहीं हम खा सकते, राइट? दाने की बात हो रही है। नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि अब छिलका, छिलका सूखा छिलका खाया जा सकता है, वो कैसे खाएंगे बताओ। आप भी बताएंगे नैयर, आप अभी हमें टिप्स देंगी। अभी हम ऐसा करते हैं कि व्यूअर्स, अनार हमारा आज का टॉपिक है, और बाय द वे आज हमारे साथ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ केस स्टडीज़ भी हमने बुलाए हैं, जिन्होंने अनार और मतलब अपनी फिटनेस के अंदर कैसे अनार को यूज़ किया। लोग अक्सर कहते हैं कि जब डाइट करनी है आपने, या डाइटिंग की तरफ जाना है, तो फल छोड़ दें।
सब्जियां छोड़ दें, सिर्फ प्रोटीन की तरफ आ जाएं। जब आप फल सब्जियां अपनी डाइट से निकाल देंगे तो लॉजिकल सी बात है व्यूअर्स, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम 100 और निज़ाम हजम के आपके मसाइल हो जाएंगे और जो आपके इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क होगा वो तो एक सेपरेट इशू है। अभी हम अनार के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे, इसको किस तरह कंज्यूम किया जाए, क्या करें, डॉक्टर साहिबा हमें गाइड करेंगे। हम डॉक्टर साहिबा से गाइडेंस लेने के बाद जो है उसके बाद फिर अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, नॉट जस्ट ऑन अनार बट ऑन जनरल फ्रूट, बल्कि ब्रेक के बाद फ्रूट इन जनरल जिंदगी में कितना अहम है। फल इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि मैं इतने लोगों को व्यूअर्स जानती हूँ जो अपने बच्चों को फल नहीं देते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई दे रहे हैं ना, और जो साहिब हैसियत है जो अफोर्ड करते हैं वो फिर फल की जगह जो डिब्बों में और पैकेट्स में आते हैं बेबी फूड बने हुए वो मिक्स करके अपने बच्चों को दे देते हैं। भाई हम खुदारा पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे यहाँ के आम बाहर से पाकिस्तान से बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, 90% यहाँ जाएगा कि किन्नू माल्टे वगैरह हमारा फ्रूट बाहर इम्पोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, और हम जो है वो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाते जो हमें बड़े सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ पे तो फिर डॉलरों पे और पाउंड्स में खरीदना पड़ता है। खैर ये सारी डिस्कशंस होंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं अनार की आज, लेकिन उससे पहले फल, फल की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और स्पेशली वो लोग जो अब बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए ना, क्योंकि हर बंदा फरवरी में टेंशन में आ जाता है कि ओ नो गर्मियाँ आने वाली हैं तो वेट कम करना है, स्प्रिंग में हमने वो दूसरे क्योंकि कोट शोट ये वो चीज़ें तो हम दिसंबर जनवरी फरवरी में पहन लेते हैं, उसके बाद फिर एकदम से मार्च में बिल्कुल ही एक डिफरेंट लुक हो जाती है हर किसी की। तो सर क्या कहेंगे आप, फल की क्या वैल्यू है? देखिए हम जब भी जन्नत के खानों की तारीफ़ करते हैं तो हम कहते हैं जन्नत के मेवे, मेवे सिग्निफाइज, मेवे सिम्बलाइजेस फल, यानी फल हमारे पास जो है वो रॉयल्टी है हमारे अनाज की, हमारे खुराक की। प्रोटीन से हम प्रोटीन लेते हैं मीट से, ठीक है, हम जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी बहुत सारी सोर्सेज से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपके पास फलों में भी होता है, जो विटामिंस और मिनरल्स हैं वो होते ही फलों और सब्जियों में है सबसे लेकिन ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट को इतना बड़ा दुश्मन क्यों बना दिया है वो मैं आपको बताती हूँ, मीडिया ने बनाया है। मैं आपको बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास दो टाइप के होते हैं जुगन, एक होता है सिंपल एक होता है कॉम्प्लेक्स। आपने सिंपल टिप फॉर लाइफ याद रखनी है नाजरीन ने कि जो सिंपल होता है वो बुरा होता है और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अच्छा होता है। सिंपल कौन सा है? सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जुगन, सिंपल हमारे पास वो है जो सफेद आटे में, शुगर में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, जो बुरा है, जिसको सबको बुरा बनाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कॉम्प्लेक्स का जो मुतरादिफ नाम है उसको फाइबर भी कहते हैं, जो कि हमारे पास फलों में मौजूद है, नट्स में मौजूद है, सब्जियों में मौजूद है, होल ग्रेन्स, अनाज, ज्वार, जौ, बाजरा, बेसन, इन सब चीजों में मौजूद है। अगर आप अच्छा मुझे ना बड़ी हंसी आती, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि आप हमें खाली फल और सब्जियां कह रही हैं तो अगर हम रोटी नहीं लेंगे कार्बोहाइड्रेट कहां से आएगा? फल और सब्जी में कार्बोहाइड्रेट होता है, सब्जी और फल में जो फाइबर है वो कार्बोहाइड्रेट है। आपको जरूरत से ज्यादा कार्ब, जो रिफाइंड कार्ब है हमारे यहाँ पे लोग बेकरी वगैरह इस चीज को कार्ब कहते हैं, वो आपको वाकई नहीं लेना है। और जितने भी विटामिंस और मिनरल्स फाइबर के जिस कॉम्बिनेशन के साथ फल और सब्जियों में मौजूद है ना, उनकी बायोअवेलेबिलिटी, जिस्म को उनको मिलने की परसेंटेज सबसे बेहतरीन है। अल्लाह ताला से बेटर कॉम्बिनेशन कोई बना ही नहीं सकता चीजों का। क्या बात है, यही तो चीज है जो हम रियलाइज नहीं करते, और बहुत से लोगों को आदत है कि अपनी साइंस और अपनी लॉजिक मानना शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स एक तो हमारे रब ताला की साइंस है जिसपे हम में से कोई आर्ग्यू और कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन उस पर कर ही नहीं सकता, और अगर आपने करनी भी है तो साइंस, मेडिकल साइंस ने बार बार उन चीज़ों को प्रूव किया है जो रब ताला ने कब की हमें कह दी हुई हैं। तो ये जब हम क्वेश्चन की तरफ जाते भी हैं तो उसका जवाब भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। अपनी साइंस जब हम मारते हैं ना घर पर बैठे हुए, और जब हम गूगल और ऑनलाइन जाके देखिए, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो उन लोगों ने बनाई हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो जब आप सर्च करते हैं एक सर्टन चीज़ की तो कभी कभी ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं जो जान के प्लांट की गई हैं ताकि आपके दिमाग में सवाल बने और फिर आप गलत किस्म की चीज़ों की तरफ जाएं, राइट? एब्सोल्युटली, अपने एजेंडे पूरे करने के लिए लोगों ने ये बनाया। तो आप क्या कहेंगी, फल देखिए कितनी अच्छी बात की, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, उसको थोड़ा सा और अगर सादा अल्फाज में कहूँ कि गॉड मेड खाएं, मैन मेड मीठा ना खाएं, इतनी सी बात।
अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो मीठा है वो खा लीजिए, बंदे की बनाई हुई चीज़ों में है तो वो नहीं खाएं। सबसे आसान सफेद चीनी जो है वो अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, हाँ। ये हमने इसको रिफाइन कर करके लाने की कोशिश करते करते हम सिंपल एक चीज अपने अल्लाह की बनाई हुई मीठी चीज खाएं, बंदे की बनाई हुई मीठी चीज से परहेज करें, और फल खाएं तो खाने से पहले खाएं, खाने के बाद ना खाएं। ये सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं कि खाना खाने के बाद फ्रूट का सेशन चलता है, वो नहीं होना चाहिए। पहले फ्रूट्स और बाद में आप अपना खाना खाएं तो एक तो आपका भूख का लेवल कम हो जाएगा, मैदा भर जाएगा, दूसरा फलों की एब्जॉर्प्शन से जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वो आसान हो जाएगा। खाने के बाद मीठे की इतनी तलब होती है उसका क्या करें, नहीं तो हम लोग फ्रूट इज नॉट अ डिजर्ट। इतनी इन्होंने अच्छी बात की, मोस्टली खाने में हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन मैदे में जिस प्रोसेस से डाइजेस्ट होती है वो होता है प्यूट्रिफिकेशन। फल में होता है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज डाइजेस्ट होता है फर्मेंटेशन से। प्यूट्रिफिकेशन और फर्मेंटेशन अगर मिक्स होगी तो दोनों के न्यूट्रिएंट्स का आपको फायदा नहीं होगा, ये मिक्स नहीं होनी चाहिए, पहले ही खाना चाहिए। और फलों का बेस्ट तरीका है कि आप इसको मिड मॉर्निंग स्नैक बना लें। आप अगर आपको भूख नॉर्मल लगती है, यू आर अ नॉर्मल बीइंग, तो आपका पेट थोड़ा भर भी जाएगा जैसे डॉक्टर मासूमा ने कहा है। सही सही। अच्छा नहीं रापा क्या कहेंगे? हाँ जी, सेहत की तो बात हो गई तो जारी सी बात है ब्यूटी की बात करेंगे। तो उसमें ये होता है कि अगर जिस तरह से सर्दियां हैं, सर्दियों में आता है अनार, बेसिकली होता तो हर सीज़न में है, लेकिन सर्दियों के अंदर जो है वो इसके बेनिफिट्स एंटी एजिंग में, ड्राइनेस में, कोई भी अगर आपको जो है वो वक़्त से पहले आपको रिंकल्स आ रही हैं और आपके बालों की शाइन ख़त्म हो गई, यानी कि बच्चों को अगर हमने फ्रूट्स की तरफ लेके आना है तो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है छोटे लड़के भी हैं, चाहे बच्चियां भी हैं, चाहे वो 8 की हैं, चाहे मैट्रिक की हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि हमारे जो है वो चेहरा जो है वो ग्लो नहीं कर रहा और ये इशू आ गए, मेरी फ्रेंड मजाक उड़ाती है, एक्नी के इशूज़ आ रहे। तो बच्चों को, बच्चियों को जो है वो बेसिकली जो है वो डाइट की तरफ और इन नेचुरल फूड फ्रूट्स की तरफ, वेजेस की तरफ लेके आए। तो अनार जो है वो जिस तरह से बच्चों के अंदर एक्नी के इश्यूज आ जाते हैं, ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन हो रही है, और सर्दियों के अंदर अगर आपको ड्राइनेस, तो अनार हर तरह के इश्यूज के लिए जो है वो बहुत बेस्ट है। तो वही बात आ जाती है कि लाजमी अपने डाइनिंग पे जो है वो फल और सब्जियां जो है वो लाजमी रखें ताकि बच्चों को जो है वो आदत पड़े खाने। अच्छा डॉक्टर फैजल, आपसे तो ऑब्वियसली इसके बारे में ओपिनियन लेना है, लेकिन मैंने आपके जो आप अक्सर जो स्मूदीज और चीज़ें बनाने सिखाते हैं, आप उनमें फल सब्जियों को कंबाइन करते हैं, और मैंने कभी भी आपको चीनी नहीं डालते हुए देखा, शहद भी नहीं आप डालते, आप बस उसको डायरेक्ट जो है, क्योंकि ये नहीं हम रियलाइज करते कि व्यूअर्स जितना मीठे की आदत डालोगे उतनी मीठे की आदत पड़ेगी। स्मूदी होती ही फ्रूट्स की बनी हुई है, आपको जरूरत ही नहीं होती उसमें चीनी डालने की, लोग उसमें भी चीनी डाल देते हैं, अच्छी वाली चीज़ का बेड़ा गरक। बिल्कुल ऐसी। और अभी आपने शुरू में बात की थी इंट्रो में कि हम बच्चे जो उनसे वो फ्रूट नहीं खाते, हम बच्चों को फ्रूट देते नहीं। मेरे बच्चे जब बड़े होने शुरू हुए थे, जब कुछ खाने लगे थे, तो हमने डेलीबरेटली उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्मूदीज या आप वो कह लें प्यूरीज बना के उनको स्टार्ट शुरू कर दिया, और वो खाते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जितनी मर्जी डॉक्टर साहब अब भयानक स्मूदी भी मैं उनको बना के दे दूँ कि पीनी है, चाहे वो आधा गिलास पिए, दो घूंट पिए, वो पीते ज़रूर। ठीक है, कोई कहवा ऐसा हो, कोई फ्रूट की हो, कोई भी चीज़ हो जो बड़ों के लिए भी पीना मुश्किल होता है, वो पी लेते हैं। जब उनको पता चलता है पापा ने बनाई है और ये इसके फ़ायदे हैं, तो वो ज़रूर कंज्यूम कर लें। स्मूदी का फ़ायदा ये होता है कि वो जूस नहीं है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा फल जो है वो ब्लेंडर में डाला और उसको ब्लेंड कर दिया, तो यानी कि वो पूरा आपके सिस्टम में जाएगा। मतलब अगर आपने उसको लिक्विड में ही लेना है, आपसे फल खाया नहीं जाता, तो स्मूदी फिर नेक्स्ट स्टेप है, ना कि आप फल का जूस निकाल निकाल के सब कुछ ही जाया करते हैं। एक्चुअली पूरा 90% फल जाया हो जाता है। कुछ लोग यहाँ तक पूछ लेते हैं कि स्मूदी जो उनसे उसके उसमें बाहर रेशा तो होता है फल का भी सब्जी का भी, तो कहते हैं हम इसको छान के पी लें फिर क्या फायदा। तो बेहतर तो यही है ना कि आपके जिस्म में रेशा जाना चाहिए, जो फाइबर है वो जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा तो फिर आपके लिए वो बेकार हो जाएगा। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ व्यूअर्स, जैसे इंसान का जिस्म है, उसमें खून है, उसमें हड्डियाँ हैं, उसमें फैट है, उसमें मसल्स हैं, बहुत से डिफरेंट हिस्से हैं, आपके ऑर्गन्स हैं। आप अगर जिस्म में से सिर्फ खून निकाल लें और कहें कि जी खून, ये जो खून है ये एक इंसान है, तो वो इंसान नहीं है, वो खून सिर्फ खून है। जब आप उसको कंबाइन करते हैं उसकी हड्डियों चड्डियों सबके, तो वो एक मुकम्मल इंसान बनता है। उसी तरह मुकम्मल फल या मैक्सिमम किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये
जानेंगे। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने हमें इतना ही आपके पास आज टाइम था, तो एंड में कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स को देंगे। अनार की क्योंकि बात हो रही थी तो मैं बात करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने जिस फल सब्जी को जो कलर दिया होता है वो उसमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट की वजह से दिया होता है। आपके पास अनार, टमाटर और ये बहुत सारी जो लाल सब्जियाँ हैं इसमें लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन आपके पास कैंसर प्रोटेक्टिव केमिकल है, और भी 100 से ज़्यादा फाइटोकेमिकल्स इसमें मौजूद है। और क्योंकि हमारे पास ये सर्दियों में दस्तयाब है, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। विटामिन ए कॉन्टीन्यूसली स्किन की जो लेयर है कैरेटिन उसको रीजनरेट करता रहता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता। तो अनार को अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। और डॉक्टर साहब, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो आपका माशाल्लाह वेलनेस सेंटर का जी बिल्कुल कुछ देर से अब चल भी रहा है, और सारा कुछ उसके बारे में हमें जल्दी से बता दें। जी, मैंने अपनी हेल्थ और वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च की है, जिसमें कंसल्टेंसी, आउटरीच प्रोग्राम, न्यूट्रिशन कोर्सेज, वर्कशॉप सब कुछ है। इम्यून एंड इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर सहर चावला के नाम से मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज डॉक्टर सहर चावला, उस पर सारी डिटेल्स और हमारा वेबसाइट लिंक मौजूद है, आप प्लीज़ उस पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें आज ज्वाइन करने का। आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हमने बड़ी चीज़ें बनानी है, और आज एक फिटनेस एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, गाइडेंस लेंगे, और कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं उनसे भी बात करेंगे। ये सब होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जी हाँ, क्या बनाने जा रहे हैं हम? अनार, अनारो अनार कर दिया आपने हमें। अच्छा, मैं जो अनार के छिलके हैं जिन्हें जो है वो आप फेंक देते हैं, इसके साथ डिफरेंट हेयर कलर, हेयर डाइज, नेचुरल ऑर्गेनिक ये बनाने बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले इसका जो है ये अंदर का जो वाइट वाला पार्ट है, जिन लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, ज़रा सा भी जो है वो मौसम चेंज होता है, एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं, तो ये जो अनार हम जब खोलते हैं, छीलते हैं, इसके अंदर से ये जो वाइट वाला जो है वो छिलका निकलता है, इसको अगर आप रोज़ वाटर के अंदर जो है इस तरह से अगर आप डाल के इसको रख दें 4 से 5 दिन के बाद, जुगन ये आपका ऑयल कंट्रोल सीरम जो है ये रेडी हो जाएगा। ये वाला ना? हाँ जी, वाइट वाला। इसके अंदर बेशक थोड़ा सा आप छिलका भी ऐड कर दें। इसकी ये क्वालिटी है कि ये आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है, पोर्स को नेचुरली श्रिंक करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है और एक्नी को ड्राई करता है। हाँ जी, इसको अगर आप बना के रख देते हैं, हाँ जी, नहीं बट ये कितनी देर के बाद यूज करें, क्योंकि देखिए अभी अभी डाला है तो इसको कुछ थोड़ी देर अब्सॉर्ब हो, 8-10 दिन में ये रेडी हो जाएगा। तो इसको आप जो है वो पूरे महीने के लिए बना के रख लें, ये 6 महीने साल भी पड़ा रहेगा, इसने खराब नहीं होना, क्योंकि रोज़ वाटर है और इसके अंदर आपने ये डालें। ठीक है। गर्मियों के अंदर जिन लोगों को इश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये टोनर बना के रखें और ये बहुत बेस्ट है। awesome. इसके बाद जो है वो जुगन ये देखें, ये वाले जो छिलके हैं इनको जो है वो आप धो के इन्हें आप खुश कर लें। खुश करके ये देखें, मैंने जो है वो इनको ग्राइंड किया है। ये पहले आपने जलाया? ये बिल्कुल नहीं, ये रतन जौत है, सॉरी मैं समझी शायद। हाँ जी, नहीं ये ड्राई किया है इन्हें, सिर्फ खुश्क होने के बाद इन्हें जो है वो इस तरह से ग्राइंड किया है, तो ये देखें बिल्कुल एक ब्लैक जो आपने है वो, खुश कैसे किया है इसको? इसको आप धो के इसको आप जो है वो चाहे धूप में रख दें, चाहे आप इसको जो है वो किचन में फ्रिज के ऊपर रख दें, यानी कि जहाँ पे जो है वो हीट हो, नमी ना हो, तो ये खुद ही जो है वो 4-5 दिन के अंदर, बस इनको पलटना होता है, नहीं तो फंगस लगने का डर होता है। तो जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, अदरवाइज आप इसको ओवन के अंदर भी ड्राई कर सकते हैं। इसको आप जो है वो जिन लोगों को डाई एलर्जी करती है, या हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं डायबिटिक हैं, वो कोई डाई वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, बाल जो है वो उनके हर हफ्ते वाइट हो जाते हैं, तो इसका जो है आप देखें अनार छीलते हुए जुगन हमारी उंगलियां जो है वो ब्लैक हो जाती हैं। हाँ जी हाँ जी, तो इस हाँ जी बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, तो ये नेचुरली ऑर्गेनिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्लैक पिगमेंट है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसका पाउडर बना लिया, जितना जो है वो इसका पाउडर है, ठीक है, 2 टेबलस्पून ये लेना है, और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर जो है वो मेहंदी ऐड करनी है। ठीक है, ये आपका जो है वो 2 टेबलस्पून डाला, ये 2 टेबल एक चम्मच हाँ जी मेहंदी डाल दी। ठीक है, ये अगर आपको जो है वो ब्राउन कलर चाहिए तो ये आपका ब्राउन कलर बन गया, और अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा महागनी शेड आए, इसमें रेड की टोन आए, तो रतन जोत ये भी एक हर्ब है, यानी कि मेहंदी भी डालें उसमें या नहीं? हाँ जी, मेहंदी तो मस्त डालनी है, मेहंदी नहीं डालेंगे तो वो फिर बालों पे ग्रिप नहीं करेगा, इसलिए मेहंदी डालना जो है वो ज़रूरी है,
ठीक है, ये देखे ना, ये आपको उसका रेड सा कलर आना शुरू हो जाता है फिंगर्स पे। इसी के अंदर अगर आप महागनी शेड थोड़ा रेड स्टोन में चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है वो सात रतन जोत जो है वो ऐड कर लें, ये जो हमने डाला है, और इसको आपने फिर ब्लेंडर में ब्लेंड कर, इसको ब्लेंड कर लेना आप, अदरवाइज आप इस तरह से भी पानी डालेंगे तो ये अपना कलर छोड़ देता है। ठीक है, तो इसको आप जो है वो जिस तरह से मेहंदी को आप मिक्स करते हैं, इसको आप मिक्स करके, और अगर आप चाह रहे हैं हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और शैम्पू वगैरह नहीं अगर आप करना चाह रहे तो इसके अंदर आप जो रीठे आंवला और सिकाकाई का पाउडर है, ठीक है, ये देखें, ये आंवले रीठे और सिकाकाई का जो पाउडर है, अगर आप साथ 1 टीस्पून ये भी ऐड कर देते हैं तो ये आपके जो है वो बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा और हेयर फॉल को जो है वो रोकेगा। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स कि जब आप मेहंदी और ये चीज़ें लगाते हैं ना तो सबसे पहले अपने रूट्स में लगाया करें। एक चीज़ जो बहुत लोग गलत करते हैं, वो पूरा लेप देते हैं सर पे, जड़ों को नहीं करते, तो जिस तरह डाई सर में लगाते हैं ना, अगर उसी तरह आप इस मिक्सचर को पहले अपने सर पे लगाएंगे और उसके बाद आप लेंथ एंड एंड्स पे लगा दें तो बिल्कुल जिस तरह डाई लगाते हैं उसी तरह से उसको लगाएं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जड़ों में आपने पहले मेरे ख्याल से 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, उसके बाद आपने लेंथ एंड एंड्स पे 15 मिनट के लिए लगाया, फिर आप वॉश आउट कर। हाँ जी, तो इसमें ये जुगन के 8 या 10 दिन बाद आपको जो है ये गर्मियों में रिपीट करना पड़ता है, अदरवाइज इसका जो कलर है, जो रीग्रोथ होंगे आपके नए बाल वो वाइट होंगे, अदरवाइज जो है वो आपके बालों को जो है ये ब्लैक ही रखेगा। हाँ, अमेजिंग डाइट होम। हाँ जी, इसके बाद जो है वो जुगन अनार के साथ जो है वो आप ऑयल हम लोग जो है वो बनाएंगे, और उसके लिए जो है वो हमें चाहिए ये भांगड़ा, बॉटल में बनाएंगे हम इसको। हाँ जी, इसको भांगड़ा जो है वो बोलते हैं, ठीक है, इसको आप इस तरह से डिप भी कर सकते हैं जुगन। अच्छा, जो हर्ब्स वगैरह सारी चीज़ें हैं ना ऑयल के अंदर जलाने से जो है ना उनकी क्वालिटीज जो है वो बहुत कम हो जाती हैं, बल्कि जाया हो जाती हैं। तो ये मैंने तो पहले तो कंडे है। हाँ जी, चुप जा रहे। हाँ जी, ये बड़ी बुरी चीज़ है। हाँ, चम्मच ना, लेकिन इसके बालों के लिए जो है ना जुगन बालों की, हाँ जी, ये देखिए इसमें हम ऑयल डाल देते हैं या बॉटल के अंदर डाल दें, इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून, ये देखिए हमने सरसों का तेल डाला है इसके अंदर, नहीं ये 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हो गया। हाँ। और 2 टेबल स्पून ही बेशक आप आलमंड ऑयल है, नहीं भी है तो सिर्फ सरसों के तेल के अंदर ही जो है वो बहुत ज़बरदस्त इसका ऑयल बनेगा आलमंड। हाँ जी, अब इसके अंदर जो है वो आप फ्रेश जो है वो इसके अनार के छिलके जो है ये डाल, छिलके। हाँ जी, ये जुगन ये आपका ऑयल बन जाएगा जो कि आपके बालों को कलर भी देगा और आपके बालों को नरिश भी करेगा, क्योंकि इसका भी जो पिगमेंट है वो आपके ऑयल के अंदर आ जाएगा, और ये जो भांगड़ा है ये भी आपके बालों की ग्रोथ को जो है वो बेहतर करता है और ये जो कलर है उसको फिक्स कर देता है बालों के अंदर। ठीक है, तो ये वाला आप ऑयल बना के इसको भी अगर आप गर्म पानी के अंदर रख दें या 8-10 दिन के लिए धूप में रख दें तो ये आपका जो है वो ब्लैक हेयर ऑयल जो है ये रेडी हो जाएगा। तो जो लोग जो है वो अगर ये नहीं लगाना चाह रहे, पाउडर मास्क नहीं लगाना चाह रहे, तो ये वाला ऑयल बना के रखें, इसके अंदर जो है वो बेशक अगर आप थोड़ा सा रतन जोत भी डाल देते हैं तो ये थोड़ा सा जो है वो आपका कलर जो है वो शाइन आएगी और थोड़ा सा मैरून सा जो है वो कलर का पिगमेंट आएगा। मैं अपने लिए चीज़ें तैयार कर रही हूँ ना ताकि फिर मैं घर ले जाऊँगी। हम बाय द वे ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं ना, ऑनेस्टली व्यूअर्स, हम इनको फिर घर भी लेके जाते हैं और ट्राई भी करते हैं, हमारी टीम भी ट्राई करती है। ये देखे ना, कभी कभी देखे जिस तरह नैयर आपा है, मासूमा है, साइमा यूसुफ हैं, डॉक्टर फैसल हैं, अब ये लोग तो हमें पता है कि ऑथेंटिक लोग हैं, लेकिन अक्सर लोग जो हम किसी नए बंदे के साथ करते हैं काम तो जो चीज़ें बनाते हैं हम उनको ले जा कर ट्राई भी करते हैं ताकि पता तो चले ना। हाँ जी, इनके रिजल्ट्स क्या है। देखिए, हम उन लोगों को बुलाते हैं शो पे जो जिनका काम इफेक्टिव हो, जिसको खुद भी हमने ट्राई किया हो। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो है वो फेस के लिए जो है वो सीरम बनाएंगे। आप क्या करेंगे कि अनार ले लें, अनार का जूस ले लें या अनार ले लें, इस तरह से इसको मैश कर लें। ये आप डेली बेसिस के ऊपर, जिन लोगों की जो है वो स्किन पे ग्लो नहीं है, स्किन का कलर और डाल, हाँ जी बिल्कुल, इसको थोड़ा सा पहले मैश करेंगे। ठीक है, और फिर, और इसके अंदर जो है वो आप थोड़ा सा बादाम का तेल, ज़रा सा, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स, क्योंकि ये हम ड्राइनेस के लिए बना रहे हैं कि जिनकी स्किन में जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो आप जैतून का तेल भी 1-2 ड्रॉप्स, अगर ड्राई स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है तो आपने इसके जूस के अंदर जो है वो दही मिक्स कर लेना है, और ये कॉटन के साथ जो है वो फेस को वॉश करने के बाद इस जूस को आपने पूरे फेस के ऊपर जो है वो लगाना है, और ये जब भी बनाना है ना जुगन, फ्रेश बनाना है। ये नहीं है कि आपने बना के रखा हुआ है और 3-4 दिन के बाद आपको याद आया तो आप 3-4 दिन के बाद इसको लगाएंगे। आपने उसी टाइम बनाना है आपको, आप इसको और उसी टाइम पे आपने लगाना है। अच्छा, इसका जो बेनिफिट होगा ना, एक तो ये आपकी स्किन को ग्लो करेगा बहुत ज़्यादा,
और दूसरे नंबर पे जिस तरह से पिंकिश टिंज आ जाएगा आपके चेहरे में, तो आप जो इतने टिंट्स टूंट्स और वो सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसा सर्दियों के अंदर खासकर जब बहुत ब्लैक टोन आ जाती है, टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा हाथ पाँव पे ड्राइनेस की वजह से, तो जुगन ये उसको भी ख़त्म करेगा। अमेजिंग। हाँ जी, इसको वॉश, फेस को वॉश करके अपने कॉटन के साथ जो है वो टैप टैप करके ये जूस सारा अपने अपनी स्किन को पिला देना है। Amazing. फेस पे भी लगाएं, नेक पे भी लगाएं, अपने हाथों पे भी इसको जो है वो लगाएं। अमेजिंग इसके जो है रिजल्ट है। इसके अंदर आप जो है वो एलोवेरा जेल भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, उससे इसकी क्वालिटी, इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी फिर से भी मज़ीद और आपसे जानना और सीखना भी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर फैसल हमारे साथ होंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या टोटके बताते हैं। कुछ पता नहीं क्या कह रहे थे कि हम बाकी की जो गैर इस्तेमाल, एक तो डॉक्टर फैसल की फेवरेट चीज़ है कि जो चीज़ और कोई नहीं इस्तेमाल करना चाहता वो कहते हैं आओ मैं बताता हूँ उसका क्या करना है। ब्रेक के बाद वैसे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यूज अनार दाने को देख के इंसान के जहन में यही आता है कि पकौड़े, मैं तो जब भी अनार दाने का सोचती हूँ तो कड़ी पकौड़े जहन में आते हैं। और पिछले दिनों मैंने किसी के घर कड़ी खाई और पकौड़ों में भी अनार दाना नहीं थे, और वो जो खटास आती है ना अनार दाने की वो नहीं थी। मैंने कहा यार आपने अनार दाने, हाँ वो था नहीं, मैंने कहा फिर आपने बनाया क्यों जब चीज़ें पूरी नहीं, जब चीज़ें पूरी नहीं। अच्छा, अनार दाना जो सा है आपको पता है इसका, तो वो भी बनता है पोमेग्रेनेट जो एसेंशियल ऑयल होता है वो भी इससे निकलता है, इसके छिलके से भी निकाला जाता है। दूसरी बात ये कि इसका जो सा फूल होता है उसकी बड़ी अफादियत है, वो भी बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल होता है, खूबसूरती में, मास्क में, फेस पैक्स में उसका इस्तेमाल करें तो जल्द को वो एक हल्की सी पिंकिश लुक दे, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बहरहाल अब आ जाते हैं अपने कुछ नुस्खों की तरफ। बच्चों को मोशंस लग जाएँ, बड़ों को लग जाएँ, हम फिर वही बात बार बार करते हैं, खुदा न खास्ता हम उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है, हम हल्की फुल्की चीज़ों की बात कर रहे होते हैं कि चार पांच मोशंस आगे कुछ हो गया तो आप उसको फौरी तौर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें ये छिलका जो सा है अनार का सूखा हुआ। अच्छा, ये ड्राई किया है, ये आपने कैसे ड्राई किया, क्योंकि ड्राई करने के भी बड़े मेथड्स होते हैं जी। इसको जो सा साफ़ करके और इसको छांव में बेहतर है कि सुखा लिया जाए, क्योंकि धूप में इस काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, तो हमने इसको डार्क नहीं करना, डार्क नहीं करना। और देखें इसमें अभी तक भी ये बेहतर है कि ये टूट भी आसानी से रहा है, लेकिन ये सूखा हुआ भी। अच्छा, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जाएगी, कूजा मिश्री, जो आम मीठी वो मिश्री होती है। ओके, ठीक है, इन दो चीज़ों को हम वज़न लेके इसका पाउडर बना के रख लें, और ये चुनसा है आपके कोई भी डायरिया हो, मोशन हो, उसको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। असल में अनार का जो छिलका है वो एस्ट्रिंजेंट होता है, काबिज़ हम जिसको कहते हैं, किसी भी चीज़ को वो टाइट करता है, कब्ज करता है, ठीक है। तो इस तरह से जुनसा ये, इसलिए इसके इसी तरह की चीज़ों में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बताऊँगा। सही, तो एक तो ये नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। दूसरा ये एक चीज़ और आपको साथ साथ बता दूँ, ये ताज़े दाने निकले हुए, जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत होती है और वो मल्टी आयरन की चीज़ें ले रहे होते हैं, इस तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, तो वो घर में इसका एक सिरप बना सकते हैं। अच्छा, वो ऐसे कि ये मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ये कोई शीशे का जार ले लें, उसमें आपने ये अनार डाल दिया, ठीक है, एक लेयर अनार के दाने की होगी, एक लेयर जो उनसे है वो शक्कर की होगी, शक्कर की, गुड़ की शक्कर जो उनसे हमारी होती है। इस तरह से आपने पूरा जार जो उनसे है वो भर के रख देना है, ऊपर से आपने एयर टाइट करना है, यानी कि अनार शक्कर अनार शक्कर अनार शक्कर, बिल्कुल ऐसे चार पांच लेयर जितना भी आपका जार है उसके हिसाब से, उसके बाद एयर टाइट करके इसको आप रख दें और तकरीबन दो हफ्ते के बाद इसको धूप में रखें, शाम को उठा लें, दो हफ्ते के बाद ये सिरप सा बन जाएगा, क्योंकि चीनी उसके वो शीरा में बन जाएगा उसका, और ये जो उनसे है आप कि जितनी भी बुरी तरह का है, कोई एनेमिक होता है, खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो ये एक लाजवाब, एक टीस्पून से लेके एक टेबल स्पून तक डेली का, डेली दिन में दो से तीन दफ़ा, दिन में दो से तीन दफ़ा, तो ये आपका एक अच्छा आयरन टॉनिक बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं कि अब इसका और क्या काम है, कि इसका काम हाजमे में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो एक फक्की बनाते हैं हाजमे के लिए, ठीक है, जिसमें हमने लिया है अनारदाना सूखा हुआ, ठीक है, इसमें हमने लिया है, यह है पुदीना, ये अजवाइन, ये अमचूर,
ये सौंफ और ये अनारदाना, ये इसको मिक्स, इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसका पाउडर बना के रख लें। और ये पाउडर जो उनसे खाना खाने के बाद आधी चमची सादे पानी के साथ इसकी फक्की खा लिया करें, तो हर तरह का आपका हाजमा जो उनसा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ड्राई होना चाहिए अनारदाना, बस ये देख लें, वरना वो ड्राई हो और ज़रा अच्छे क्वालिटी वाला हो, बहुत ज़्यादा काला या पुराना ना हो। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को वो होता है ना IBS का प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये वाला नुस्खा जो उनसे उनके लिए आइडियल है कि वो खाना खाने के बाद ये खा लें तो इंशाल्लाह खाने के फौरन बाद उनको जो मोशन की शिकायत होती है वो भी रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, व्हाट एल्स? तीसरी चीज़ जो उनसी है ये पेट के कीड़े, बच्चों बड़ों को होते हैं बहुत ज़्यादा, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम लेंगे सूखा छिलका अनार का, कलौंजी, और ये कहलाता है कमेला। कमेला, ठीक है, ये कमेला इस तरह का एक तरह की वो मिट्टी टाइप की सी चीज़ होती है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेके, लेकिन ये कमेला जो उनसा होता है बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और जायका भी अच्छा नहीं होता, तो इसकी बिल्कुल एक चुटकी जो उनसी है वो दिन में दो दफ़ा खानी। अच्छा, अगर बच्चे इस तरह ना लें तो फिर कोई तरीका है? छोटा सा कोई कैप्सूल जो उनसा बिल्कुल छोटा कैप्सूल होता है उसमें थोड़ा सा डाल के और वो उनको खिला दें। अच्छा, ये सिर्फ किसी एक तरह के कीड़ों के लिए नहीं, क्योंकि पेट में तो मुख्तलिफ तरह के कीड़े होते हैं, टेप वर्म्स भी होते हैं, ल्यूक वर्म्स भी होते हैं, तो ये हर तरह के कीड़ों के निकालने के लिए बेहतरीन और फ़ायदेमंद चीज़ है, प्लस ये है कि सेफेस्ट है। सेफेस्ट है, सो आई मीन देयर इज नो साइड इफेक्ट्स विद दैट। बार बार बच्चों को वैसे भी कीड़ों की दवाई दे दे के बंदा परेशान ही होता रहता है, बट ये कितनी देर में असरअंदाज हो जाता है? ये जोन सा है विद इन अ वीक जोन सा है ये काम करना शुरू कर देता है और ये लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए ख़त्म करता है, हमेशा के लिए करता है। सो बेसिकली हमने अगर रीकैप करें तो हमने एक तो ये मोशन डायरिया के लिए बनाया, कुजा मिश्री और छिलका, सही, इसको पीस कर रखा। अच्छा, फिर अनार शक्कर, अनार शक्कर, अनार शक्कर आपने इस तरह करके, ये आपका आयरन टॉनिक बन जाए। बॉटल में करना है ये, तो हमने वैसे आपको ग्लास में डाल, मतलब वो कह रही हूँ कि उस तरह करके आपने डालना है और उसको आपने छोड़ना है, वो आपका टॉनिक बन जाएगा जो अनीमिक है या जिनको फौलाद की कमी है। बिल्कुल ठीक है, और ये हमारी फक्की बन गई, हाजमे की फक्की बन गई, और जिन लोगों को IBS का मसला उनके लिए बन गया। इसमें हमने डाला था सूखा अनारदाना लिया था, सौंफ, अजवाइन, पुदीना और अमचूर, और इसको हमने ब्लेंड करके किसी पीस भी के रख लीजिए, अपने डाइनिंग टेबल पर रख लें और हर खाने के बाद आधी चमची पानी के साथ ले लें। और ये जो हमारा एक पेट के कीड़ों का ऑप्शन है उन पेरेंट्स के लिए जो अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या करना चाहिए, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, फाइनली एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी स्मूदी बताएंगे हमारे व्यूअर्स को जो वो अनार के साथ बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़रा वो तीखापन होता है अनार में, तो लोग थोड़ा सा कभी स्मूदी में डालना नहीं करते, केला डाल देते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल देते हैं, सेब डाल देते हैं। जो सबसे अच्छी स्मूदी जिससे अनार के तमाम तर फ़ायदे हम ले सकते हैं, वो इसका सबसे अच्छा कम्बिनेशन जाता है कि शकरकंदी और साथ चुकंदर, शकरकंदी, चुकंदर और अनार, और अनार का जूस ले लें या साबित अनार के साबित दाने, अनार के दानों के साथ ले लें, दाने डाल लें और थोड़ा सा, क्योंकि लिक्विड तो हमने उसको करना है, तो थोड़ा सा इसी का फ्रेश जूस डाल लें ताकि लिक्विफाई हो जाए, ठीक है। ये आपकी बेहतरीन एक मील भी बन जाता है, प्लस ये कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, जिन लोगों का खून नहीं बन रहा, जिन लोगों की चेहरे पर रौनक नहीं है, रंगत ख़राब हुई हुई है, जिगर काम नहीं कर रहा, उन सब के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। क्या बात है, और जिनका ब्लड का मतलब जिनको जो ब्लड प्रेशर का इशू हो या जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो, जिनको हम कहते हैं डायबिटिक हैं, वो क्या यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी मिकदार में कर सकते हैं। जैसे एक दिन पहले भी बात हुई थी कि हमने डाइट को मैनेज करना है, तो अगर मीठा उन्होंने बाकी सब चीज़ों में छोड़ा हुआ है और कंट्रोल किया हुआ है, तो फिर वो ये स्मूदी हाफ गिलास तक दिन में ले सकते हैं। अच्छा, एक और आपको बता सकते हैं, टाइम है हमारे पास, डाइटिंग करने के बाद या एज के साथ जिस्म लटक सा जाते हैं, है ना, बाजू भी लटक जाते हैं और आपके जहाँ जहाँ पे इसको सैगिंग कहते हैं, सैगिंग कहते हैं, उसका एक बड़ा ज़बरदस्त ऑयल बनता है। उसमें सिर्फ ये दो चीज़ें डलती हैं, सूखा ये हमारा जो सा अनार का छिलका है, ठीक है, और सेसमी सीड तिलों का तेल, इसको पका के रख लें। अच्छा, इसको पकाना है, इसको पकाना है, और इसको जो सा तेल हमने कम रखते हैं और छिलके हमने ज़्यादा डालने, ठीक है, हल्की आंच पे इसको पकाते रहें, जब ये अच्छा पक जाए तो उसके बाद इसको खूब छान के और इसको निकाल के रख लें, तो ये आपकी जो लटकी हुई जिल्द है, जितनी भी सैगिंग हुई हुई है, उसके ऊपर इसका मसाज करें, हल्का सा उसको मलमल के कपड़े से रैप कर दें, तो आपकी जो स्किन
ढलकी हुई है वो दोबारा अपनी शेप में आना शुरू हो जाएगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर मासूमा ज़ाहरा किचन में क्या बनाना सिखाएंगे हम जानेंगे। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, चूल्हों पे भी नज़र रखनी ज़रूरी है क्योंकि हम पानी उबाल रहे हैं जी। मासूमा जी, हम क्या कर रहे हैं आज? मैं डिटॉक्स वाटर बताऊंगी। अनार बेस्ट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी, तो डिटॉक्स वाटर जो सुबह उठ के आपको फरवरी के महीने से लेके आप ये आगे जून जुलाई तक ये वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सीज़न है, आने वाला सीज़न पिता सीज़न या डाइजेस्टिव सीज़न बोला जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए फेब से शुरू कर लो और फेबररी मार्च अप्रैल में ये वो महीने हैं जहाँ पे आपको अपनी डाइजेशन का ख्याल रखना है, अपने आप को अच्छा डिटॉक्स करना है। तो एक हर्बल टी बताऊंगी मैं आपको, डाइजेस्टिव टी और दूसरा डिटॉक्स वाटर उसके अच्छा, लिए एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी व्यूअर्स, आप लोग इतने महंगे महंगे जाके डिटॉक्स वाटर्स जो हैं वो मार्केट से ख़रीदते हैं और मैं हैरान रह जाती हूँ कि भाई मतलब आप घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं डिटॉक्स वाटर्स, या आपने घर पे टीजर डालनी है उसको बंद करना और उसको रख देना है, तो जो आप इतनी महंगी महंगी खरीद के लेके आते हैं मार्केट से आप घर पे बना लें। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें हमें उबला हुआ पानी चाहिए होगा, रात के वक्त आप इसको भिगो के रख दोगे, दो ग्लास पानी जो कि गर्म हो उसको डाल लीजिए एक जग में, और उसके साथ अनार जो हमने खाया होता है और डॉक्टर फैसल ने भी बताया कि इसको सुखा के कैसे रख सकते हैं, तकरीबन आधा अनार का छिलका वो आप डाल दोगे इसमें, और देखो ये डालते साथ ही अपना रंग छोड़ने शुरू हो जाएगा। अच्छा, ड्राई जो ड्राइड है ना, ड्राइड है तो ज़्यादा बेहतर है। जब याद रखें जब भी कोई चीज़ खुश्क हो तो वो कम मिकदार में इस्तेमाल होती है, वो गीली हो या ताज़ी हो तो वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होती है। उसके साथ एक चम्मच सौंफ, ठीक है, और एक ही चम्मच अजवाइन का। अजवाइन तो खैर डाइजेशन की जब भी बात करें डाइजेशन की तो ये डलता है। ये आप डाल के भिगो के ढक के रख लोगे, सुबह उठोगे इसको निहार मुँह दो ग्लास पानी को बहुत तसल्ली से आराम से पीना है। डिटॉक्स वाटर जब भी पीते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ महसूस करके पिए, जैसे ही आप पीते हैं तो आप उसको फील करें कि वह आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक में कहाँ से जा रहा है। पानी को तभी बैठ के पीने का हुक्म है कि उसको जितना स्लो पियो जितना सिप सिप पियो उतना ही वो इफ़ेक्टिव होगा। तो ये सुबह उठते साथ ही आपका ड्रिंक बन जाएगा। फिर आगे हमारी चाय की तरफ, इसके लिए हम लेंगे पुदीना, अदरक भी आप अदरक इसमें नहीं होगा, ये मसल मास बढ़ाने के लिए एक बताती हूँ, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो पुदीने के पत्ते, पुदीने के पत्ते आप ले लोगे तकरीबन एक मुट्ठी, डाल सकते हैं, अच्छी बात है पत्ते डाल दें भाई। अच्छा ठीक है, मैंने कहा मैं पूछ रही हूँ ना कि कुछ लोग जो है मैंने देखा पूरी पूरी टहनी अंदर डाल देते हैं, तो मैं नहीं, मेरे ख्याल से पत्ते डाल दें तो ज़्यादा बेहतर, वो बेहतर है, ठीक है। पुदीने के पत्ते, और पुदीने के पत्ते डालोगे इसके साथ, फिर आप थोड़ा सा जीरा सफ़ेद, हाफ टी स्पून जीरा सफ़ेद, दो कप पानी, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कहवा बनाने के लिए एक कप को बनाना है तो दो कप पानी लोगे, और अनारदाना एक टीस्पून अनारदाना का, ये लोगे, ये आपकी बेस्ट डाइजेस्टिव टी है जो तैयार है, खाने के बाद लो, जिनको हाजमे की खराबी एसिडिटी रहती है, खाना खा के पेट ब्लोटेड फील करते हैं तो अच्छा, ये उनके लिए बेस्ट है। सौंफ अगर इसमें डाल दें तो क्या जिनके बच्चों के पेट खराब होते हैं क्या फिर? जी पेट खराब वालों के लिए डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये देखो ब्लोटिंग कब होगी जब ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस के साथ कॉन्स्टिपेटेड रह सकते हैं, तो बेहतर है कि इसमें सौंफ ना डाली जाए, उसको खाली इस्तेमाल किया जाए। लेकिन किसी को अगर लूज स्टूल है, आईबीएस का इशू है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हैं, तो ये तो आपका कहवा तैयार हो जाएगा। अब अनार की एक और बहुत बड़ी आफादियत है, वो है फर्टिलिटी के अंदर, मेल और फीमेल फर्टिलिटी में अनार का बहुत बड़ा रोल है। फीमेल्स के लिए साइकिल के पहले दिन से शुरू करें अनार का जूस हिबिस्किस के साथ, या ये टी भी अवेलेबल है, हिबिस्किस के पत्ते भी मिल जाते हैं, वो आप इस्तेमाल करें, एक पत्ता एक फूल या फूल और पत्ता दोनों ले सकते हैं, साथ में अनार,
इसका जो है जूस ले लीजिए और वो इतना बेहतरीन है अगर आप फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से शुरू करते हो और 13th डे ऑफ पीरियड तक लेते हो, तो आप जो एस्ट्रोजन के पैचेस लगाते हो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने के काम आता है क्योंकि ये आपकी हड्डियों को ताकत देता है। तो फीमेल्स के लिए बेहतरीन है जब उनकी लाइनिंग कम हो, जैसे ब्लीडिंग कम हो रही है तो वो ये इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन है। मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करने के लिए अनार का जूस आधा कप और उसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक जो है वो अगर रेगुलर बेसिस पे वो लेने शुरू करें तो अनार के जूस और अदरक को इसको ब्लेंड कर लें ज़्यादा बेहतर है। जैसे डॉक्टर फैसल हमेशा कहते हैं और हम भी कहते हैं कि जी फाइबर समेत, तो 1 इंच के करीब अदरक और 1 अनार को आप ब्लेंड करके स्मूदी ले लें, या अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो जूस आधा कप में 2 टेबलस्पून अदरक डाल लें। ये मसल मास के लिए बहुत बेहतरीन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए बेहतर है और मेल हेल्थ के लिए ये बेहतरीन काम करता है। और अदरक का छिलका उतार के या बिना छिलका? छिलका उतार के, क्योंकि ये भी तो एक वो अब वाली बात है ना कि किसी भी चीज़ का छिलका ना उतारो तो मतलब बंदे का नहीं। अब आप अनार के छिलके को तो नहीं डालोगे ना स्मूदी में, अनार के बीज को डालोगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छिलके समेत इस्तेमाल हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती। तो ये बेहतरीन, जब मैं कि अनार की बात करते हैं तो हम फर्टिलिटी की बात करते हैं और ये बेहतरीन है मेल फीमेल हेल्थ के लिए। तो देखें, बात ये है कि किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, आपको उसके अच्छे असरात मिलेंगे। आप किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ करेंगे तो बेनिफिशियल चीज़ भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। मैं कहवा इसलिए ज़रा निकाल के दिखाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपको उसके कलर का आइडिया आ जाए कि मतलब खुशबू का तो आपको आ रहा होगा, खुशबू तो आ ही रही है, बहुत खूबसूरत खुशबू है इसकी। ये वाली इसकी कुछ कलर टोन होगी और ऑब्वियसली पुदीने के पत्ते जो हैं डाइजेशन के लिए तो अरसे से लोग कहते आ रहे हैं, और अजवाइन इन्फेक्शन को दूर करता है, एंड देन अनार दाने भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एंड देन यू हैव गॉट योर टीज अवेलेबल एज वेल रेडी मेड, जिनमें जो जौन सी चीज़ की आपको इशू है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। आपकी फिट टी है या टी फिट है, देन यू हैव गॉट योर हिबिस्कस टी, यू हैव गॉट योर डाइजेस्टिव टी। बारे में जो सारे हैं वो मेरे YouTube चैनल पे, मेरे पेज पे पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हो ज़रूर। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से, जब लोग कहते हैं ना कि क्या करें, सिर्फ खा ही सकते हैं या उसका जूस निकाल सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक अनार जो आप घर लेके आएंगे, जिसके आप बीच में से दाने खा भी लेंगे, तो उसका जो वाइट वाला हिस्सा है जैसे कि नैयर आपा ने बताया, वो भी यूज़ हो सकता है, उसका छिलका भी यूज़ हो सकता है, उसके बीज अगर आपने फॉर एग्जांपल जूस के लिए इसको यूज़ किया है तो उसके बीज जो है वो अनारदाना बन सकते हैं। बाय द वे, घर पे अनारदाना हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या तरीका है? बिल्कुल बना सकते हैं। अनार के दाने बाहर से लेते हैं वो इतना काला और इतना अजीब सा होता है, दिल भी ख़राब होता है कि पता नहीं किस तरह बना होगा। कि जिस तरह कल हम बहुत सारे शोज़ में बताते आए हैं, जब भी किसी चीज़ को सुखाना है कोशिश करें कि वो डायरेक्ट सनलाइट में ना हो, जो भी कवर्ड एरिया है वहाँ पे आप रखें, सूरज की रोशनी में करें या इसको जार में बंद करके अपने चूल्हे के पास। तो अनार का के दाने का, अनार का जूस निकाल लिया, उसके दाने को सुखा लिया, हाँ। आपने सुखा लिया उसके छिलके को पका लिया, पूरा दाना भी सुखा सकते हैं। और जो आपका निचोड़ के निकलता है, एक तो ना मशीन से जब आप दाना निकालते हो तो वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, अगर हाथ से निचड़ा हुआ दाना है तो उसको सुखा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। सो अनार के दाने आप घर पे भी अनारदाना बना सकते हैं और ज़्यादा बल्क में बनाए, बल्कि नैयर आपा भी हमें इस पर बहुत अच्छा गाइड कर सकती हैं, आगे जाके इनसे पूछेंगे भी, जैसे कि वो हल्दी भी घर पे खुद ही बनाती हैं, मतलब उसको प्रॉपर लेके। सो द पॉइंट इज, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी, हमने ज़िंदगी को आसान करने के चक्कर में ज़्यादा मुश्किल कर दिया है, हम ज़्यादा बीमारियों में घिर गए। एक छोटी सी एफर्ट, कितनी देर लगती है, छिलका फेंक रहे हैं वही छिलका आप संभाल लीजिए, कितनी देर लगती है, इट्स जस्ट कि आप चीज़ों को किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो सीखना शुरू करें। और मैं तो यही कहती हूँ, मसाला जात भी अगर घर पे बना लें, नमक को भी घर पे पीस लें, मतलब लाल मिर्चें, ये सारी चीज़ें अगर आप घर पे खुद बना लेते हैं ना, तो कम अज़ कम आपको पता तो है ना कि उसके अंदर कोई ऐसी वैसी नॉनसेंस तो नहीं एडिड। और आप देखें कि घर के जो ड्राई हुई हल्दी होती है उसकी आप एक चुटकी डाल दें, उसका वो कलर आता है जो आपको एक चम्मच बाजार से नहीं आता। तो कुछ ना कुछ तो साइंस है इसमें, अब वो क्या है ये हम सोचते रहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ सक्सेस स्टोरी से आपकी मुलाकात कराएंगे।
यू एज हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. टू माई राइट एंड टू माई लेफ्ट आर दो ऐसी सक्सेस स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स उनको जिन्होंने कामयाबी की तरफ गामजन किया है वो शख्सियत. हाफिज खालिद मलिक हमारे साथ हैं. आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और करंट मिस्टर पंजाब यानी कि 2021 के. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक. सो हाफिज साहब कुछ कहानी बताएं कि अपनी आपका फिटनेस की तरफ रुझान कैसे हुआ मुझे और फलों का आपकी जिंदगी में कितना अमल दखल है. हमारा टॉपिक भी आज फल है. मैं चाहती हूँ उस पर भी बात. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आई लव बॉडी बिल्डिंग. मुझे स्पोर्ट्स का शुरू से शौक था और बॉडी बिल्डिंग जो है ये मदर ऑफ स्पोर्ट्स है. तो मैंने इसलिए इसको चुना. और बॉडी बिल्डिंग एक खूबसूरती का नाम है. इससे आप ऑलवेज फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी. और मुझे बचपन से ही शौक़ था ट्रेनिंग का. और क्योंकि पहले स्टडी कम्प्लीट की, फिर मैं बिज़नेस में आया, फिर जब मुझे लगा कि मुझे अब प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए, फिर मैं 2007 में मिस्टर लाहौर गोल्ड मेडलिस्ट हुआ मैं. फिर उसके बाद 2009 में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए चला गया. 2010 में फिर अमेरिका यूएसए वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली. और फिर उसके बाद मैं बिज़नेस में चूँकि इतना बिजी था कि मुझे टाइम कम मिलता था ट्रेनिंग के लिए. और फिर मैं 2021 में मैं मिस्टर पंजाब हुआ हूँ, मास्टर मिस्टर पंजाब. तो ये मेरी और किस महीने में होते हैं ये कंपटीशन जो है वो जन से स्टार्ट होते हैं, जनवरी से लेके मार्च एंड तक. लाहौर पंजाब पाकिस्तान ये सारे कंपटीशन जो हैं ये जनवरी से लेके मार्च तक होते हैं. और मार्च में फिर फाइनली डिसाइड होता है कि कौन किसको क्या टाइटल मिलेगा. एग्जैक्टली. ओके बिल्कुल सही. अच्छा उसके अलावा आप सिर्फ अपनी ट्रेनिंग नहीं करते, आप दूसरों को भी ट्रेन करते हैं, ये क्या माजरा है. अच्छा मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज या इलम है तो उसको आपको फैलाना चाहिए, उसका फिर ही फ़ायदा आपको. मैं ख़ुद तो इंटरनेशनल मतलब कंपटीशन भी विन किए, मैं चैम्पियन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से. और फिर मुझे मेरी एक जिम चेन है बॉडी जोन के नाम से, वो मैंने बनाई. उसमें ये मेरे स्टूडेंट बैठे हैं दोनों, रानिया हैं, दानियल हैं. और हमने फिर एक सिलसिला शुरू किया ट्रांसफॉर्मेशन का. अच्छा रानिया का पहले वेट था 60 किलो, पहले वेट था 80 किलो और 60 किलो अब इनका वेट है. और ये 3 महीने का रिजल्ट है जी, यानी कि 20 किलो इन 3 मंथ्स जी. वाओ. ओके एंड देन 1 साल से आप दानियाल इनके साथ हैं और आपका पहले 176 किलो था और माशाल्लाह अब आप 100 किलो पे पहुंच रहे हैं. Congratulations. Thank That's you. Wonderful. And to you also, Rania. Thank you. Because मैं अपने वेट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ. सो एंड यू नो 5 pregnancies के बाद अब लिटरली हड्डियाँ हिल गई हैं मेरी और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ. सो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए और बहुत सी ऐसी खवातीन जो इस वक्त देख रही हैं, यू आर अ मोटिवेशन. एंड वो उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई अब मेरा 200 किलो हो गया वजन, अब मैं कहाँ से कम करूँ. होता ही है. तो इन दोनों से पहले इनकी ज़रा, जब वेट आपका 80 किलोस था और जब वेट आपका 176 किलोस था, पहले मैम आपसे शुरू करते हैं. जी क्या फीलिंग्स थी, क्या फिर किस तरह इन तक पहुंची, हुआ क्या. पहले तो मैं ट्रेनिंग खुद ही करती थी लेकिन ऑब्वियसली उससे कोई वो रिजल्ट्स तो नहीं आते हमें. 2 years back मैंने सर को ज्वाइन किया और बस वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ और डाइट फॉलो की ऑब्वियसली, फ्रूट्स और बाकी सब चीज़ें. बात कहूँ रानिया, हमारे यहाँ ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है इन वुमेन कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे और वर्कआउट करोगे तो आपकी उस वक्त तो शेप बन जाती है लेकिन बाद में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या कम कर देते तो आपकी शेप ख़राब हो जाती है. थोड़ा सा इस पर एज अ वुमन अपना ओपिनियन दोगी, बिकॉज पता है आप जितना भी कह लें सर, औरत ही जब औरत को समझाती है तो समझ आती है. नो इट्स जस्ट अ मिथ. मैं ये समझती हूँ आपको मेंटेन तो करना ही पड़ता है. लेडीज़ के लिए मुश्किल इसलिए होता है कि वो कॉन्टीन्यूसली नहीं जा सकती वर्कआउट के साथ, डाइट के साथ, घर है, बच्चे हैं. लेकिन आपको अपना मतलब जैसे कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, तो आपको अपना खाना, अपना वर्कआउट थोड़ा सा मेंटेन करें तो उसमें आप कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अच्छा अब दानियाल मैं आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगी कि आप तो एक शाइनिंग एग्जांपल है, बल्कि बिफोर आफ्टर की आपके हमारे पास तस्वीरें भी हैं, हम वो भी दिखाएंगे. आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, क्योंकि देखो जब तक आपके अंदर से ये चीज़ नहीं आएगी ना कि मैंने अपना वज़न कम करना है तो वो कोई नहीं कर सकता. जिस तरह इस वक्त मेरा वेट एक जगह पे जमा हुआ है और सीधी बात है मैं थोड़ा सा अगर इंसान बनने की तरफ जाऊंगी, मुझे पता है कि मैं वापस अपने 48 kgs की तरफ चली जाऊंगी,
लेकिन वहाँ पे जाने के लिए अपने आप को चपेड़े मारनी पड़ती हैं दो चार, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट किया आपने बेटे? मैम सबसे पहले तो मैंने खुद बहुत ट्राई किया, 2-3 दफ़ा किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बच्चे 176 तक, क्योंकि यू आर वेरी यंग, 176 पे वेट पहुँचा कैसे? क्योंकि ईटिंग खा, जंक फूड, नान, ये सब कुछ खा के, तो फिजी ड्रिंक्स वगैरह खा के, तो बस, और आउटडोर एक्टिविटी कोई थी ही नहीं। हमारे पेरेंट्स को भी यही एक हमेशा से प्रॉब्लम रही ना, जिस तरह मेरे हमारे यहाँ मेरी भी ये प्रॉब्लम, मेरे बड़े बेटे के साथ मैंने बड़ी ज्यादती की हमजा के साथ, उसको मैं प्यार का मतलब हमारे मुल्क में खाना खिलाना, खिलाना खिलाना, गोरा ऐसे नहीं करता, वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई नहीं ऐसे करता कि बच्चे को तुन्नी जा रहे हैं तुन्नी जा रहे हैं, वो आधी रोटी खाता था, मैं कहा हाय उसने कुछ नहीं खाया ना जी, बच्चा उन्हें अद्धी नहीं खाया था, कहते तुन तुन के मैंने अपने बच्चे का हाल खराब किया। मैं तो खुद अपने मुंह से मैं एडमिट करती हूँ कि एज अ पेरेंट ये मेरी मैंने मेरी फॉल्ट थी। दानियल जब मेरे पास आए थे ना तो माशाल्लाह ये लार्ज पिज्ज़ा ना 2 पिज्जे आराम से बैठ के खा जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी सर एक लार्ज पिज्ज़ा खा लेती हूं आराम से, वो 2 खाते थे, अकेली खा लेती हूं। तो फूडी से खुश खुराक थे माशाल्लाह। और मज़े की बात यह है कि पेरेंट्स के इकलौते बेटे हैं, यानी पेरेंट्स ने 6 बच्चे भी हों तो डिवाइड करके खिलाते हैं, उन्होंने 6 का एक ही से खिला दिया, एक ही बंदे को माशाल्लाह। और ये बच्चा बहुत मेरे पास आया था तो बड़ा लाडला सा, बड़ा क्यूट सा, बड़ा हेल्दी सा, देखने में बहुत प्याला सा लगता था। अच्छा फिर आपने फिर उसकी, हाँ मुझे लगा थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी इसकी ना जो विल पावर थी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसके अंदर कुछ कर जाने की जो थी ना मुझे वो बहुत पसंद आई। लेकिन हिट कब किया बेटे? एक लम्हा होता है, मैं आप दोनों का जानना चाहती हूँ वो लम्हा क्या, और हमारे पास पिक्चर्स भी है वो साथ साथ हम देखेंगे बात करते हुए। दानियाल वो क्या मोमेंट थी जब आप ये देखे कि इससे आपने इधर पहुँचना है? व्यूअर्स आप ये देखे तस्वीर, अनबिलीवेबल। मैम मैं पहले तो जिम के बाहर से गुजरा था, मैं क्या कि ज़रा विजिट कर ही लेता हूँ। जब मैं गया तो मैंने ट्रेनर को देखा सबसे पहले ना, तो ही वॉज वेयरिंग अ अपर, और मैं ना उनकी बॉडी से बहुत इम्प्रेस हुआ, तो मैं क्या कि अगर ये कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बट उस वक्त तक हिट भी नहीं किया कि वेट ज़्यादा है, No. कभी किसी ने कहा भी कुछ नहीं, वरना पाकिस्तानी कौम तो माशाल्लाह जो है आपको आपकी ऐसी तबीयत साफ करती है। मुझे अभी भी लोग कहते वजन कम हुआ लेकिन अभी बड़ी हेल्दी हो, ये हेल्दी इतना अच्छा वर्ड है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में जब वो हेल्दी कहते हैं ना तो लगता है मुंह पे चपेड़ किसी ने मार दिया, रख के टांट क्यों नहीं होती, आप बड़ी हेल्दी हो गई है, मजा कहता है यार ये हेल्थ रहने ही दो फिर। नहीं बाबा और मामा मुझे कहते रहते थे कि वेट बहुत ज़्यादा हो गया, आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, जॉइंट पेन्स, इस तरह करके। तो बस एक दिन ऐसा था कि वो अल्लाह ने लेके जाना था, तो बस वो एज क्या थी उस वक्त? 25। ये देखे ना 25 साल की एज पे इनको हिट करके, वो कहते हैं ना जब लड़के जरा बड़े हो जाते हैं, अभी 26 के हैं माशाल्लाह, अब हम 26 के हैं, और साल में देखे व्यूअर्स कितनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बच्चे ने किया। आप बताइए आपको कब हिट किया कि मैंने अपना वेट जो है वो कम करना या अपने आप को फिटनेस की तरफ इस लेवल पे लेके जाना है? मेरा तो घर का माहौल कुछ फिटनेस वाला ही था, मेरी एक्चुअल मोटिवेशन जो है वो मेरे हस्बैंड से है, तो वो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ही हैं और फिटनेस की लाइन में हैं, बस उनको देख के एक शौक आया था, और जब वो कपड़े पहने हुए बहुत अच्छे नहीं लगते थे 2 बेबीज़ के बाद, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा हिट किया कि अब मुझे जिम की तरफ जाना चाहिए। आप सब मुझे भी ठीक कर दे बड़ी ताकत, कपड़े नहीं फिट आते, आज मैंने अपने आप को स्पोर्ट में कैसे तुनना है मैं आपको नहीं बता सकती। अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, इनके जो हस्बैंड है ना अली मेरे बहुत अच्छा, वो खुद क्यों नहीं ट्रेन कराते इनको? हाँ वो एक्चुअली ना अली ट्रेनिंग खुद भी कर रहे हैं लेकिन वो बहुत बिजी होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं तो उनके पास टाइम कम है, और तो दूसरी बात मियां की नहीं कोई सुनता, ये वो बात आ जाती है ना, अब हम मियों की भी सुने, दुनिया की भी सुने, और मियां की मियां हमारी सुनेगा, हम मियां की नहीं सुने, एक नहीं सुनेंगे। ये जैसे आपने कहा ना कि दोस्ती में आप नहीं ट्रेनिंग कर सकते हैं तो वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत सी खवातीन ये कंप्लेन करती हैं और मर्द रात भी कहते हैं ओ एक बारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो तो फिर सारी ज़िंदगी ना करो तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। हाँ नहीं यकीनन ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब फिटनेस मॉडल आप बताइए सबसे पहले तो आप हमें बताएं ना। ऐसे मेरा तो खैर मैं ख्याल शायद जेनेटिक्स में इस तरह से है तो मैं ऐसे ही हूँ। दूसरी बात यह कि जब भी हम किसी को स्लिमिंग कोर्स करवाते हैं तो ज़रूर उनको हम गाइड करते हैं कि ये डाइट प्लान है, ये अगर कोई मेडिसिन देनी है वो भी देते हैं, लेकिन साथ ज़रूर कहते हैं कि आपने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है। सही। जब तक एक्सरसाइज नहीं करते और सिर्फ डाइट प्लान्स पर रहते हैं तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब देखें जैसे उन्होंने माशाल्लाह
वो तो एक्चुअली मास्टरपीस बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो तो मास्टरपीस बैठे हैं। 25 साल की उम्र पे वजन कम करना आसान है, दो बच्चे पैदा करने के बाद मुश्किल है। मैं आप देखें ना, एज अ मैन आप इम्प्रेस हो रहे हैं उनसे, एज अ वुमन मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि डॉक्टर फैसल, आपको पता है कि कभी कभी वो जो लास्ट 10-15 किलो होते हैं ना, वो ऐसे एल्फी की तरह समत बॉन्ड की तरह चिपके होते हैं आपके जिस्म को कि आप इतने तंग हो रहे होते हैं। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उनका मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा, वो तो ओबीज में खैर क्लास 4 में चले गए, ऐसे ही ओबीज क्लास 3 को तो वो क्रॉस कर चुके थे, मतलब वहाँ से वापस आना जो उनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, आखिरी स्टेज, ये आखिरी स्टेज जो है ना व्यूअर्स, 90% हमारी जो बीमारियां हैं हमारे मैदे से इसलिए स्टार्ट होती हैं क्योंकि हम इसमें इतना कुछ डाल देते हैं, हम वेट इतना गेन कर लेते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, लिवर इश्यूज, किडनी इश्यूज, एवरीथिंग स्टार्ट शटिंग डाउन। अभी हमने मासूमा जी से और ऑफकोर्स फ्रॉम नैयर आपा भी उनका ओपिनियन लेना है, एंड देन ऑफकोर्स हाफिज साहब हम बताएंगे उन्होंने इनके साथ किया ये ब्रेक के बाद होगी, ये बात ब्रेक के बाद होगी, जरा आप भी इंतजार करें ना, हमने भी किया है, आए आप ब्रेक के बाद। के पीछे छुप गई हूँ नहीं कर सकती मैं शो बैठ के, अपना वजूद जो है वो देख देख के मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। तो जब कुर्सी के पीछे बंदा छुपता है तो बंदा अपना आप जरा पतला महसूस करता है। अच्छा मासूमा जी, आपका भी ओपिनियन लेना है एज एन एक्सपर्ट इन वेलनेस एंड हेल्थ, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे ये सब इतनी अच्छी बात करें कि जिंदगी में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। मैं थोड़ा सा मेरा डिफरेंट ओपिनियन है इस बारे में कि जब आप वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हो, यानी एक सर्टन वेट जब आप कम कर लो, आपका टारगेट अगर 30 kg है तो कम अज़ कम 10 kg कम करो विदाउट एक्सरसाइज, सिर्फ अपने आप को हाइबरनेशन में जाके, ताकि आपके एनर्जी लेवल बहाल रहे क्योंकि आपका टारगेट लंबा है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या है, बैलेंस लाइफ तो है ही नहीं। हम ज़्यादा खाएंगे हम घर बैठेंगे, हम कम खाएंगे हम भागना शुरू कर देंगे, हम ये करना मैं बाय द वे आई एग्री विद यू, एंड मैं आपका इस पे ओपिनियन लेना चाहूँगी। होता ये है कि हम मोटिवेट होते हैं तो हम डाइटिंग भी शुरू कर देते हैं और एक्सरसाइज एक साथ, अब वो 2-3 दिन तो मामला चलता है। ये मेरे साथ बाय द वे बार बार हो रहा है व्यूअर्स, मैं इसलिए ऑन एयर ये बातें एडमिट करती हूँ बिकॉज जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं और जो इशूज़ हैं, हर रोज आपसे मुलाकात होती है, घर वालों से ज्यादा तो ऑनेस्टली व्यूअर्स आप लोगों के साथ वक्त गुजरता है। तो ऑनेस्टली मैं तो इस जगह पे फंसी हूँ, 3 दिन बड़े मोटिवेटेड जुगन काजम, ज्यादा मोटिवेटेड कोई नहीं है, 4th दिन गिट्टे घोटों में दर्द, भूख, और बाय द वे डबल खाना शुरू हो जाती हूँ द सेकेंड आई स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, मे बी इट्स साइकोलॉजिकल, मे बी वट, ये क्या है मसला जुगन? एक्चुअली ना कुव्वत इरादी जो है ना हमारी, वो वीक है, कमजोर है, हमें इरादा करने की जरूरत है, हम हर काम कर सकते हैं, हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अल्लाह ने इतनी विल पावर दी है हमें कि हम किसी भी चीज़ का मुकाबला करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली हम खुद से मोहब्बत नहीं करते। अच्छा नहीं, जो वेट लॉस का वो जो कह रही हैं ये मुझे बताएं ना, हाँ। कि वो जो कह रही हैं कि पहले अपनी खुराक, क्योंकि देखे अब तो आप लोगों ने, एक फिटनेस एक्सपर्ट्स ने ये बात प्रूव की है कि 70% आपकी डाइट है, 20% आपका खाना वो एक्सरसाइज है, और 10% आपका सोना, आपका पानी की कंजम्पशन और ये सब। अच्छा, हम ना एक्सट्रीमिस्ट हैं हर चीज़ में। फॉर एग्जांपल, हम डाइट पे आएंगे तो डाइट ही करते जाएंगे, लेकिन वो हम मैक्सिमम 7 डेज में थक जाते हैं। जब हम खाने पे आते हैं ना तो हम वो 7 डेज का खाना 14 दिन का हम एक साथ ही खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर बात वही आ जाती है कि आपकी ईटिंग हैबिट जो है वो बहुत काउंट करती है। ईटिंग हैबिट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। एक्चुअली हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है हमें। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को देख के इम्प्रेस तो होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते उन्होंने इसके पीछे उनका क्या राज है, कितनी मेहनत है, कितनी डाइट है, कितनी एक्सरसाइज है। वो लोग अगर आज कामयाब हैं तो इस वजह से हैं कि उनके मतलब उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके मेहनत की है। यू सी, ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि बताओ क्या तरीका है, मुझे आप जिस तरह कहा कि अभी आपने बड़ा वेट कम किया है, हम जब ब्रेक में बात कर रहे थे, तो व्यूअर्स जितना उतरा है ना, एक तो बेबी पैदा हुआ, लेकिन मैडम नूर कितने पाउंड की थी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 पाउंड की, छोटा सा चूहा मैंने पैदा किया था और चढ़ा मुझे 45 किलोज, आई गेंड 45 किलोज। फॉर सम रीज़न जेनेटिकली मेरा कोई मसला है, कोई इश्यू है, जैसे ही आई एम एक्सपेक्टिंग इमीडिएटली पहले ट्राइमेस्टर में 10 किलो चढ़ जाता है। अब उसमें कुछ खाना पीना भी है, कुछ मेरी प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो मुझे
इस बार तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे डाल दिया, उस बेड रेस्ट से 45 किलोस, तो वो उतर तो गया 30 किलो, बट अब वो 10-12 किलो जो है वो मैंने जैसे के कहा ना वो उतर ही नहीं रहा। देखो जुगन, हम ना एक कॉन्सेप्ट हमने बना लिया कि हमने जब भी एक्सरसाइज करना है तो हमें जिम में ही जाना है, तो हमने एक्सरसाइज, आप छोटी छोटी मूवमेंट अगर अपनी बेहतर कर लेते हो, आप और कुछ नहीं तो यही कर लो कि हर 1-2-10 मिनट के बाद आप अपने आप को जहन में रख लो आपने 1 मिनट के लिए खड़े होना है। ओके, वो चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बट ये तो हम मूवमेंट की बात करें, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो देन वो मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जिस लेवल पे अब ये जो दो हमारे पास रानिया और दानियाल बैठे हुए एज क्लासिक एग्जाम्पल्स, राइट, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी बिल्कुल, हम लोगों का जो मसला है ना जुगन, वेट गेन इसलिए भी कर लेते हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे होते। मेरे साथ यही इशू था, 4-5 जो है वो काम मैं इकट्ठे जो है वो कर रही थी, अपने लिए मेरे लिए टाइम ही नहीं था। फिर मैं अब 50+ हूँ, नानी दादी हूँ, तो अब मुझे अपने आप को मैंने खुद समझाया कि यार क्या कर रही है तू अपने साथ, और 5-7-10 साल गुजर गए तो फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, बीमारियाँ लग जाएंगी। तो जुगन मैंने क्या किया, अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज किया, आधी जो मेरी एनिमी फजूल में मैंने अपने काम जो है वो बढ़ाए हुए थे मैंने उन्हें स्किप किया, और उसके बाद जो है मैं जिम नहीं जा, ये बड़ा हमारा इशू है। पर्सनल ट्रेनर है वो डेली मेरे पास आती हैं घर में, क्योंकि हम जो घर में खुद से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं वो भी गलत है, अपने गिटे गोटे खराब कर लेते हैं। अच्छा, तो एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ऑल ऑफ अस नाउ वांट टू नो आपसे क्या करें इस लेवल पे पहुंचने के लिए, एक्चुअली क्योंकि सबके अपने अपने वो हैं। एंड बाय द वे फैज भाई, आपको भी अब थोड़ा सा इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम सबकी अब अच्छा उस एज पे हम पहुंच रहे हैं जहाँ पे वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, ये बहुत इजी है जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका इतना इजी है ये, अगर आज से आप लोग इरादा कर लें कि आप जो भी खाएंगे उसको देख कर खाएंगे, अल्लाह ताला ने आपकी जो आइज हैं इनके अंदर सेंसर लगाए हुए हैं, वो अब जब आप आइज से सेंस करते हैं आपके मुँह के अंदर जो फिल्टर लगे हुए हैं, हमें जिप लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आपने क्या क्या खाना है, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या नहीं खाना, क्योंकि हम छोड़ते तो कुछ भी नहीं है, हम हर चीज़ खाते हैं, देखे ना माशाल्लाह खुश खुराक है। अच्छा, खुश खुराक लोग जो हैं वो चूँकि फूडी होते हैं, खुश अखलाक भी होते हैं, ये भी बात साथ है। अब इसका बेहतरीन आप आइडिया करना चाहें, जुगन को देख लें आप, मेरा खाना रोक दो और देखो कि मुझसे बड़ी डैन नहीं आपको कभी मिलेगी। अभी मैंने ब्रेक में एक पिज्जा का खाया, इसलिए मेरा मूड अच्छा हुआ है और प्रोग्राम हमारा फिटनेस पे हो रहा है माशाल्लाह। देखिए, मैं सिर्फ मेरा आपको पता है आप लोगों के साथ ये बातें क्यों शेयर करती हूँ, मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूँ, और आप कितने भी आपके पास ट्रेनर्स हो, कितने भी अमेजिंग आपके पास शेफ्स हो खाने बनाने के लिए, आपका किबरा कितना दुरुस्त है कि सर किधर जाना है, अगर यही इरादा लेके आप जिम आ जाए ना तो सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, आप अपनी एक्सप्रेशन देखे ना, आपने जो हाल करना है अगले को जिम बुला के, हम वहां मेंटल है। अच्छा, बट सीरियसली व्हाट डज इट टेक, हमें आप जरा वॉक अस थ्रू इट, बिकॉज देखिए यहाँ पे पहुँचने के लिए मेहनत, वो मेहनत क्या है लोगों को पता नहीं होती, उसके डर से लोग नहीं करते गाइड। अच्छा, 2-3 जिंदगी के असूल बना लें, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। एक तो 30 मिनट वॉक जो है हम सब पे फ़र्ज है, यानी जैसे आप समझते हैं ना कि आप पे नमाज फ़र्ज है, आप खुद पे फ़र्ज कर लें कि 30 मिनट वॉक करने वाला बंदा उसके ऊपर फैट भी नहीं चढ़ेगी, बीमारियाँ भी नहीं आएंगी, कार्डियो कर लें। ब्रिस्क वॉक, सबसे पहले आप वॉक करें, वॉक के बाद आपकी बॉडी जो है वहाँ वह भी हुई होगी। अच्छा, हर बंदा जिम नहीं जा सकता, मैं समझता हूँ जैसे कि आप लोगों की भी अपनी अपनी मसरूफियत है, तो उसके लिए सिर्फ ये पिज्जे के साथ कोई जाने नहीं देता ना जिम में। एक दफ़ा मैं बाय द वे एंटर हुई थी, पिज्जा खाती खाती जिम में, उन्होंने कहा कैन यू प्लीज़ गो आउटसाइड, अपना खाना ख़त्म करके आए। मैंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा जिन्होंने नहीं भी खाना पिज्जा उन्होंने मंगा लेना, बाहर खड़ी हुई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अच्छा, पिज्जा खाना इतना डेंजरस नहीं है, जो कि पिज्जा खाकर जिम ना जाना डेंजरस है। बड़ी ही अच्छी बात की इस पे, आई विल एग्री विद यू, आई टेल यू व्हाई, कि अगर करनी है अपने साथ ज्यादती तो कम से कम फिर उसको बैलेंस तो कर लो। देखिए, खुद को प्यार करना चाहिए, कभी कभी खुद को ट्रीट करना चाहिए, दिल करता है प्यार करने को, ये भी मोहब्बत की कदा है। जो अभी पिज्जा में देख रहा था, बड़ी मोहब्बत से खाया जा रहा था, मैं कहा वाओ यार कितनी खूबसूरत लड़की है बैठ के मजे से पिज्जा खा रही है। अच्छा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी है जिम, आप जिम आए ना प्लीज। तो आप सब लोग अब देखिए, मैं आपको जब तक हम घर में जिम है आप फिर घर आ जाए। अच्छा, वो कह रहे हैं नहीं, ये देखे ना, ये अगर आप नहीं अपने आप को मोटिवेट कर सकते मेरे पास आने के लिए तो मैं आपके पास कैसे आऊं सर।
छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हाफिज साहब से एक्चुअली द की टू फिटनेस एंड हेल्थ, क्योंकि देखिए हम आपके साथ टिप्स तो शेयर करते रहते हैं लेकिन उनके साथ फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, एंड ऑफ कोर्स जो हमारे साथ सक्सेस स्टोरीज है उन दोनों के आपके लिए मोटिवेशनल मैसेजेस भी हम लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे हाफिज साहब ने तो मोटिवेट बिल्कुल नहीं किया लेकिन रानिया ने और दानियाल ने ऐसा मोटिवेट किया कि मैंने फैसला किया कि मैं और पिज्ज़ा अभी नहीं खाऊंगी, इनके जाने के बाद नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ऑनेस्टली गाइस, ये सब बातें आपके साथ इसीलिए शेयर की मजाक मजाक में कि आप अंडरस्टैंड करें कि जी तो बहुत कुछ करने को चाहता है लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा हो कि आपने छत से छलांग मारनी है तो क्या आप छत से छलांग मारेंगे? नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको पता है आप छत से छलांग मारेंगे गिरेंगे, गिट्टे गोड़े टूट जाएंगे, मर जाएंगे आप पॉसिबली। सो ये जो हम डेली छत से छलांग मारते हैं अपनी खाने में, सर ओवर टू यू, क्योंकि ये अब इसमें क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को कंक्लूड भी करना है, क्लोज भी करना है, मैं चाहती हूँ कि हम आपको इन फोकस रख के अपनी गुफ्तगू को। अच्छा, ईटिंग हैबिट जो है ना हमें अच्छा करने की ज़रूरत है अपनी, हम जो खाते हैं उसको देख कर खाना चाहिए हमें, हर बंदे को पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर खाने की भूख अभी तक गई ही नहीं है, जब तक हम इस बात पे प्रॉपर नज़र नहीं रखेंगे। हम अपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि आप अनार का जूस सबसे पहले निहार मुँह खाली पेट, उसमें आपने बीट रूट्स का जूस डालना है, एक लेमन डालना है उसमें, और वो आपने उसको हल्का सा उसमें हनी ऐड करें, इतना ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं माशाल्लाह। आप दोनों ने पिया था? यस। पतले भी हुए थे? जी। नहीं देखे ना। तो मैं जो भूखी रहती हूँ दोपहर 2 बजे तक। एंटी कैंसर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और अनार जो है आपकी बॉडी के अंदर रेड सेल बनाने में, अनार वो खूबसूरत करिश्मा है कुदरत का जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 3 मरतबा किया है। हजरत अली ने फरमाया है कि अनार खाने से आपका दिल रोशन होता है। ये सब चीज़ें मैं आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दूँ, और अनार जो है एंटी कैंसर है, और आपको आपकी बॉडी के अंदर जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो यूरिक एसिड है। अच्छा, अनार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हर तरह का पेशेंट भी खा सकता है, क्योंकि इसकी देखिए 100 ग्राम डायबिटिक पेशेंट। यस यस, मैं ये आपको बताने लगा हूँ कि इसकी जो 100 ग्राम में 63 कैलोरी होती हैं, इसके अंदर चूँकि फाइबर ज़्यादा होता है आपको भूख कम लगती है, डाइजेशन होती है, सिर्फ 63 कैलोरीज होते हैं। अच्छा, अनार ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक अनार खाने वाला बंदा, वो कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार, हाँ। यानी जो 100 बीमारियां जो हैं वो एक अनार से ठीक हो सकती है। हमने इसी से तो अपनी बात भी शुरू की थी आज, कि एक अनार 100 बीमार। अच्छा ये बताइए कि उस अनार यानी कि हमने 100 ग्राम अनार लिया, एक चुकंदर लिया और उसमें आधा नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा सा हनी डाल लें, थोड़ा सा हनी डाल, वाओ इतना ज़बरदस्त। ये मॉर्निंग में सुबह सुबह आपके ब्रेकफास्ट से पहले एम्प्टी स्टमक जब आप सो के उठते हैं सुबह एक गिलास आपने पी लेना। ओके। अच्छा, आप कभी बीमार नहीं होंगे, पहली बात आपके अंदर एनीमिया ब्लड की कमी कभी नहीं हो सकती। सेकेंडली, ख़वातीन के लिए इतना ज़रूरी है, उनका जो मंथली साइकिल है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस जो आती हैं वो नहीं आएंगी, हार्मोनल जैसे स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर हेयर निकलाए हैं लड़कियों के, ये सब की सब चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। ओके, ये तो सुबह हो गया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरे दिन का आप हमें बता दें। अच्छा, उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएंगे? ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करें कि आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको फाइबर भी चाहिए, आपको फैट्स भी चाहिए, बट आपको गुड फैट्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, फैट्स में हम कोकोनट ऑयल जो है उसको सबसे पहले प्रेफर करें, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा दिल करें तो देसी घी, बट 1/2 टीस्पून, उससे ज़्यादा मतलब बहुत कम। अच्छा, उसको कोशिश करें ब्रेकफास्ट में आप चपाती लें, सूखी चपाती लें, उसके ऊपर कोई ऑयल कोई घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ आप एग प्रोटीन ले लें, एग बेहतरीन प्रोटीन है आपके लिए, और प्लीज़ सुबह मॉर्निंग में ये पराठे अंडे इनके साथ जो है ना ये कॉम्बिनेशन जो हमने देसी बनाया है, ब्राउन ब्रेड बहुत से लोग लेते हैं। अच्छा, जुगन ब्राउन ब्रेड में मैं हक में हूँ, लेकिन अगर आपकी लोकल जो ब्राउन ब्रेड बनाने वाली कंपनीज है ना, आप उनका ब्राउन ब्रेड का स्लाइस पानी में रखें तो आपको फील होगा पानी का हल्का सा ब्राउन हो गया कलर। अच्छा, उसके लिए ये है कि ब्राउन ब्रेड के आप 2 स्लाइस से ज़्यादा नहीं खा सकते, जो ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड है
आप उसके बाद मल्टी ग्रेन ब्रेड खा सकते हैं। ये आपने प्रॉपर किसी ऐसी बेकरी से लेना है या घर पे खुद बनाना है? एक्चुअली खुद आप बेक नहीं कर सकते, ये बेकरी है मेरी नजर में एक बड़ी अच्छी, लेकिन मैं उसको प्रमोट एक्चुअली नहीं करूंगा क्योंकि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे है ना। अच्छा, इस टाइम जो बेकरी में सबसे गुड नेम जो चल रहा है ना, आप उनकी 80% फाइबर वाली ब्राउन ब्रेड कह के ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा हो गया नाश्ता, अब लंच पे क्या है? अच्छा, नाश्ते के बाद आपका आता है ब्रंच, ब्रंच में हमने क्या लेना है? लंच तो बाद की बात है ना। सर आप डाइटिंग करा रहे हैं या वजन बढ़ा रहे हैं? आप खा के वजन कम करेंगी तो हेल्दी वजन, देखिए दो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं मेरे स्टूडेंट, इनको खिला के मैंने वेट कम किया, इनको मैंने एक्सट्रीम लेवल की डाइटिंग करा के बीमार करके नहीं मैंने इनको कम किया। अगर झूठ बोलोगी तो सारे बाल गिर जाएंगे तुम्हारे। मैं बड़ी अजीब अजीब किस्म के वो शर्तें रखती हूँ। अच्छा हाँ जी, अच्छा उसके बाद आप चले हम लंच पे आ जाते हैं सीधा ही। अच्छा, ब्रंच में आप सैलड ले सकती हैं, साथ अनार ले सकती हैं, खाना चाहे सीजनल फ्रूट्स जो हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो फ्रूट सीजन में उतारे गए हैं वो ज़रूर खाएँ आप। ठीक है, उसमें तमाम बीमारियों से शिफा है। ठीक है, आप दोपहर लंच में आप क्या खाएंगे? लंच में आप फिश खा सकते हैं, चिकन स्टीम खा सकते हैं, बॉयल खा सकते हैं, ग्रिल खा सकते हैं, और ये जो हम ये भून भून के कढ़ाइयाँ खाते हैं ना, ये खुदा का वास्ता ये छोड़ दें खानी, आज हम इनको नहीं छोड़ रहे, कल ये डॉक्टर साहब हमें नहीं छोड़ेंगी। सही, अच्छा हम देसी है ना, हमें शौक है कि ये भुनी हुई जब तक हंडियाँ ना हो, आप उसकी जितनी भी अफादियत है, जितनी भी उसके फ़ायदे हैं, हम हर चीज़ को किल करके भून भून के उसके बाद हंडिया में हम, अच्छा हमारा टेस्ट डेवलप हो गया। कच्ची कुकड़ी तो नहीं खा सकते ना? देखिए हम बॉयल खा सकते हैं, पॉइजनिंग हो जाएगी, फौरन खा सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भून लेते हैं ना तो वो आपके लिए मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं, फायदा नहीं रहता। तो आप सब्जियां हैं उसको जितनी बॉइल्ड फॉर्म में खाएं उतना अच्छा, सब वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, लेंटल सूप पी सकते हैं आप दोपहर को, वक्त क्योंकि कम है तो डिनर। अच्छा डिनर, डिनर में आप रात को वाइट राइस लें थोड़े से, थोड़ा सा पपाया लें आप उसके साथ, और आप फिश का पीस ले लें, चिकन का पीस ले लें, एक लेग पीस ले लें। दाल चावल नहीं खा सकते? दाल चावल खा सकते हैं आप, लेकिन दाल बनी होनी चाहिए फिर ऑलिव ऑयल में। हाँ, और बाय द वे जो मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी साइंस शेयर की थी व्यूअर्स, कि आप दाल को बना लें और उसमें जो तड़का है वो आप पहले से उसको फ्राई करके उसको छान लें और सिर्फ उस छने हुए तड़के को डाल दें, ऑयल ना डालें। एक्चुअली जायका उसके अंदर होता है, वो तेल में नहीं होता। यानी तड़का लगाना जरूर है? नहीं, अगर लगाना ही है। अच्छा जुगर, अगर आप अगर निकाल दें ना तो दाल बड़ी मजे की बनती है। तड़का ले दाल खाए। एक्चुअली आप अपनी बात कर रही है ना, मैं तो ये बड़ी अपनी तरफ से एक इंटेलिजेंट है। सूप की फॉर्म में ले लें, सूप की फॉर्म में, जिसमें मलगटानी सूप होता है। हां बड़ी अच्छी बात, लेंटिल सूप जैसे आप, उसमें ऑयल होता है, सूप में भी ऑयल होता है, दाल जो बनती है ना घर में, लेकिन बड़ी माइनर सा उसमें ऑयल होता है, उसमें टेस्ट डेवलप हो जाता है आपका, आप तंग नहीं आएंगे। वरना दाल तो इतनी प्यारी चीज है, आप दो दिन खाएं तो तीसरे दिन देखने को दिल नहीं करता। अच्छा नहीं, मुझे तो दाल बहुत पसंद है। आई एम वन ऑफ द वी आर वी लव या दाल, बॉयज के ये फर्क मसाइल होते हैं, देसी है ना, बॉडी बिल्डर है ना, तो दाल की होती है, दाल तो खाना ही नहीं होता। अच्छा, एंड में आप दोनों कोई पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो वेट कम करना चाहते हैं, फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते? रानिया आप क्या कहेंगे? पहला कदम थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद सब इजी है। सही, वेरी नाइस। और लव योरसेल्फ, पहला कदम उठाएं, उसके बाद मंजिल खुद ही आसान। आप क्या कहोगे रानिया? इम्पॉसिबल, आप बस स्टार्ट करने की देर होती है, बस आंखें बंद करें और स्टार्ट कर दें, देन आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाएंगे। जुगन आपको कह रहे हैं ये दानियाल मार खाओ मेरे से। हाँ, तो मुझे लग रहा है मुझे भी मोटिवेट किया जा रहा है, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस साहब। एंड सबसे ज्यादा आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप रियल लाइफ एग्जांपल साथ लेके आए हैं, अ वुमन एंड अ यंग पर्सन एंड अ यंग मैन। होता ये है कि लोग कहते हैं कि हाँ हाँ सारे कहते हैं करता, मतलब कौन, ये इनके सिर्फ दो लोग हैं जिनको आज ये लेके आए हैं, इनके पास न्यूमरस ऐसे एग्जांपल्स हैं, इनका जो इनकी जो चेन है ऑफ जिम्स की, जहाँ पे लोग आते भी हैं, इनसे गाइडेंस भी लेते हैं। और बाय द वे अगर आपने आप साहब से रब्ता भी करना होगा तो हम इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और बल्कि जब हम सोशल मीडिया पे भी लगाएंगे तो आपको गाइड करेंगे अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आर एक्सपर्ट्स, आपकी सारी टीम से मिलके, आप सब से मिलके, जुगन रियली आई रियली अप्रिशिएट यू, आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं माशाल्लाह। और ये शो हम सिर्फ टीवी पे बैठ के देखते थे,
आज खुशकिस्मती ये है कि हम आपके साथ बैठ के शो कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. रियली इट्स वेरी ऑनर टू मी. इट्स लवली टू मीट यू. एंड जो आपने मुझे पिज्जा शेम किया है, अल्लाह आपको खुश रखे. लेकिन खैर व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं. अनार एक बेहतरीन फल, जन्नत का फल, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें मगर एतदाल से, बैलेंस के साथ, और फिटनेस को और अपनी हेल्थ को प्लीज़ साथ लेके चलें. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.